सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। परिंदे को मिलेगी मंजिल, यकीनन ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। वो लोग कहते हैं खामोश अक्षर जमाने में, उनके हुनर बोलते हैं। धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। आज का पंचांग 14 फरवरी 2021 देर रविवार, मांघ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि रात्रि 1:59 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्व भाद्रपदा नामक नक्षत्र शाम 4:33 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तर भाद्रपदा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 4:54 से 6:28 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:17 से 1:03 तक रहेगा। आज चंद्रमा कुंभ राशि पर सुबह 10:09 तक रहेगी। इसके उपरांत मीन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कुंभ राशि पर रहेंगे। तुला राशि 14 फरवरी 2021 दिन रविवार, आज आपके द्वारा किए गए निर्णयों में व्यवहारिक रहें। कुछ नए अनुबंध या व्यापार साधने के लिए कौशल और परख की आवश्यकता है। यदि आप पहले से ही प्रतिबंध नहीं है तो रिश्ते को अगले चरण पर ले जाने का दिन है। जोखिम या जुए से बचें। दोस्तों के साथ जश्न मनाने के लिए समय निकालें। अपने अत्यधिक व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालें और अपनी पसंद के काम करें। आज किसी भी प्रकार के निर्णय लेने से बचें, खासकर नौकरी और करियर के बारे में। बातचीत में थोड़ी सी विनम्रता शामिल करें, आपको फायदा होगा। याद रखिए कि सफलता के लिए किए गए संकल्प किसी भी अन्य संकल्प से ज्यादा महत्व रखता है। आज अपने व्यक्तिगत कार्यों के बजाय अपनी आंतरिक शक्तियों को दोबारा समेटने में ध्यान लगाएं। इस समय भाग्य और ग्रह स्थितियां आपके पक्ष में हैं। वित्तीय मामलों में भी सुधार होगा। आपकी खुद के प्रति बढ़ रही अपेक्षा आपके ऊपर दबाव बना रही है, इसलिए अपनी क्षमता को पहचान कर अपने लक्ष्य से संबंधित काम करें। खुद के प्रति रखी कठोरता केवल निराशा ही देगी, जिसका असर आपके करीबी रिश्ते पर भी दिख सकता है। इसलिए खुद को पूरी तरह से अपना कर फिर अपने आप को और बेहतरीन बनाने के लिए प्रयत्न करने होंगे। व्यापारी काम के प्रति रखे टारगेट को पूरा करने की वजह से नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी, फिर भी पार्टनर को एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ाने की आवश्यकता होगी। आपके परिवार वालों को नजदीकी संबंधियों से होने वाली परेशानी के कारण आपको भी प्रतिबंधों का सामना करना होगा। ये लंबे समय तक नहीं रहेंगे लेकिन आपको काफी प्रभावित करेंगे, इसलिए इनके प्रभाव से बचने की कोशिश करें। आज आप कोई घरेलू उपयोग का उपकरण खरीदेंगे या घर की नियमित साफ सफाई के चलते कम उपयोगी सामान को बेच देंगे। महिलाओं को खास अनुकूलता रह सकती है। लंबे समय से अटका काम बन सकता है, थकान अधिक रह सकती है। मनचाहा परिणाम पाने के लिए आपको अपने से वरिष्ठ व्यक्ति का सहयोग लेना पड़ सकता है। ट्रेवल और टूरिज्म से जुड़े लोगों को खास लाभ हो सकता है। ऑपरेशन के मामले में बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें। सावधानियां, कभी कभी आपके स्वभाव में दूसरों पर अपनी मनमर्जी थोपने जैसी जिद आ सकती है, जिससे आपसे संबंध खराब हो जाते हैं तथा आपके मान सम्मान पर भी बात आती है। आपको आत्म अवलोकन करने की भी जरूरत है।
बात करते हैं लव लाइफ की। जीवन साथी की सलाह और सूझबूझ आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी। प्रेम संबंधों में आपसे भावनात्मक संबंध मजबूत होंगी। अपने लिव इन पार्टनर या करीबी मित्र का खास ध्यान रखें, जो हमेशा आपका साथ देते हैं। विवाह के इच्छुक व्यक्तियों को अभी इंतजार करने की जरूरत है। जीवन में रिश्ते को कभी भी बोझ ना समझें, बल्कि इन्हें खुलकर एंजॉय करें। एक पारिवारिक संघर्ष से गुजरना पड़ सकता है। कार्यस्थल के दोस्तों के साथ समय बिताएं और विचारों को बांटें। आज अपने दोस्त बनाना चाहते हैं जो आपकी मदद करेंगी। हमेशा स्पष्ट बात करें और याद रखें, किसी को ठेस ना पहुंचे। प्रेम के संबंध में बंधने से पहले अच्छे से जांच लें कि क्या आप सच में उससे प्यार करते हैं। इन मामलों में जल्दबाजी ठीक नहीं है। जो लोग जीवन साथी के तलाश में हैं, उनके लिए आज का दिन अच्छा भी है। आज आप किसी को आकर्षित कर सकते हैं। मित्रों के साथ मिले और उनके साथ बाहर जाएं। जो लोग पहले से ही रिश्ते में हैं, वे भी अपने रिश्तों में चिंगारी का अनुभव करेंगे। आपकी एक रास्ता टूटेगी। आप अपने साथी के साथ कुछ अलग करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आप एक घरेलू व्यक्ति हैं, तो आप अपने साथी के साथ बाहर का रुक करके आनंददायी समय व्यतीत कर सकते हैं। बात करते हैं करियर की। शोध विद्यार्थियों को आज के दिन शुभ संदेश मिल सकता है। जो विद्यार्थी आज के दिन प्रतियोगिता परीक्षा में भाग ले रहे हैं, वे भी अपने आशा से ज्यादा अच्छी परीक्षा देंगे। परंतु समय के अनुसार निर्णय और काम करना काफी महत्वपूर्ण होगा। इन घटनाओं से आपको जो अवसर मिल रहे हैं, आपको शीघ्र इनका उपयोग करना होगा, अन्यथा अवसर हाथ से निकल सकता है। आपको एक कठोर और कठिन निर्णय अपनी कार्य क्षेत्र या करियर की सुरक्षा के लिए लेना पड़ सकता है। आपके सितारे अभी किन्हीं कानूनी समझौतों या ट्राई अप की तरफ इशारा कर रहे हैं, जो आपके जीवन व नजरिए में बदलाव ला सकते हैं। किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, तो पहली योजना बनाएं, उसके बाद प्रयास करें। प्रयास में आपको अतिरिक्त जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ सकता है। आज व्यस्त जीवन से समय निकालकर अपना ध्यान अपने मित्रों के साथ घूमने और अपने शौक पूरा करने में केंद्रित करें। कार्य में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें। नए दोस्त या दुश्मन आज आपके आसपास हैं, जो आपकी मदद कर सकते हैं। आपके नम्र और कुशल व्यवहार से आपको लाभ होगा। बात करते हैं सेहत की। अगर आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं, तो रोड पर आपको ज्यादा सावधान होकर चलना होगा। आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा, ताकि आपको रास्ते में पेट से संबंधित कोई समस्या ना हो जाए। अच्छा, आपको पेट से संबंधित कोई बीमारी भी हो सकती है, इसलिए जो भी खाएं उस पर ध्यान दें। आपको अपने खान पान को लेकर बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। आज का उपाय, आज आप बरगद के पेड़ पर जल अर्पित करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।